शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। गिट्टी खदान थाना अंतर्गत गुरुवार को पैसे के लेन देन को लेकर कुख्यात अपराधी सचिन अलोनी की हत्या करने वाले दो आरोपियों को अपराध शाखा पुलिस यूनिट 1 ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार गिट्टी खदान पंचशील निवासी सचिन कैलाश अलोने, आरोपी आकाश जनार्दन भोम्बे गंगानगर झोपड़पट्टी मानकापुर निवासी, आरोपी राहुल दिलीप जाधव गोदनी रोड काले लेआउट निवासी, इसके साथ पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। आकाश कई दिनों से सचिन को पैसे मांग रहा था, लेकिन सचिन पैसे देने को तैयार नहीं था, जिसके चलते सचिन ने आकाश को मारने की धमकी दी। इसलिए उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर सचिन को मौत के घाट उतारा। सचिन अपने घर के पास खड़ा था, उसी समय दोपहिया पर आकर आकाश और राहुल ने सचिन पर वार करना शुरू किया। काल संध्या पौने साचा दरमियान पंचशील नगर गिट्टी खदान येथे सचिन कैलास आलोसे 28 वर्ष याची हत्या केलेली आहे। दोघं जण होते, एक आकाश जनार्दन भोंगे आणि दुसरा आहे राहुल जाधव। हे मित्र आहे, दोघांनी त्याला मारलं होतं आणि हे मारण्याचं पैशाचं कारणावरून वाद होता, त्याच्यामुळे त्यांनी मारलेलं होतं। 302 प्रमाणे गुन्हा दाखल केलेला आहे, आरोपी अटक केलेला आहे। चाकू से कई वार कर सचिन को मौत के घाट उतारा गया। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक खांडेकर के मार्गदर्शन में यूनिट क्रमांक 1 के दस्ते ने आकाश और राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।